सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। सो गाइज कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होगे। सो गाइज आज हम बात करने वाले एक्जैक्टली फीफर के अंदर न्यू कैरेक्टर आने वाले, OB27 अपडेट आने के साथ साथ न्यू कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा, उसका एबिलिटी क्या है सब कुछ आप लोगों को बताने वाले इस वीडियो के अंदर, और उसके साथ थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो पुराना कैरेक्टर था उसमें से चेंज होने वाला है उसका एबिलिटी। तो गाइज कौन सा कैरेक्टर का एबिलिटी चेंज होने वाला है, क्या होने वाला है, तो गाइज आप लोगों को सब कुछ आज की वीडियो पर देने वाला, तो जरूर देखते रहना। और साथ ही गाइज और एक चेंज होने वाला एक्जैक्टली जो आप लोगों को बताया था अपडेट्स के अंदर, जो एक्जैक्टली न्यू पेट आने वाला है, न्यू पेट कैबिलिटी आप लोगों को बताता है, थोड़ा बहुत गलती हो गया तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि यार देख जो अपडेट्स मिलता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो कभी कभार एक छोटा मोटा गलती हो जाती है। तो गाइस गलती क्या है एग्जैक्टली, इसका जो एबिलिटी था आप लोगों को बताया था साइलेंसर जैसा काम करेगा, बट हाँ साइलेंसर जैसा काम करेगा सब गान के लिए नहीं, जो लॉन्ग रेंज जैसे कि AWM का 98 MA2B ऐसे गान पे आप लोगों को जो साउंड बहुत ज़्यादा होता है, साइलेंसर यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो इसका साउंड है थोड़ा सा कम कर देगा। ओके तो और उसके साथ साथ इसका और एक एबिलिटी होने वाला है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है एक पेट के अंदर दो दो एबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, और एक जो एबिलिटी आप सभी को बताया, जब आप रिपेयर कर रहे हो वेस्ट को, रिपेयर कर रहे हो नहीं तो मेडिकेट यूज़ कर रहे हो, तो उसी टाइम जब एनिमी आपको फायर करेगा तो उसका जो डैमेज है कम कर देगा, आपको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ने वाला। तो गाइस ये जो गलती था आप लोगों को बता दिया, तो माफ़ कर देना भाई, देखो और सब ऑलवेज मैं गलती नहीं करता, थोड़ा बहुत हो जाते जो अपडेट्स निकल के आता है वही मैं आप लोगों को बताया था। तो गाइस जल्दी में ऐसा हो गया तो गाइस नेक्स्ट टाइम से नहीं होने के चांसेस करने वाला। ओके तो गलती ना हो ऐसे चांस करूंगा। ओके तो और गाइस जो अपडेट्स एग्जैक्टली न्यू अपडेट्स की तरह बढ़ते हैं, जो न्यू कैरेक्टर, ओके तो न्यू कैरेक्टर का जो अपडेट्स होने वाला एग्जैक्टली चेंज होने वाला है, और न्यू कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है एग्जैक्टली एंड्रयू चाचा जो एग्जैक्टली आप सभी को पता है एंड्रयू का एबिलिटी चेंज होने वाला है, जो उसका इलाइट वाला वर्सन आएगा। ओके इलाइट वाला वर्सन एग्जैक्टली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो इलाइट वाला वर्सन में क्या होने वाला है, तो एंड्रयू तो आप लोगों को पता है वेस्ट जो होता है एग्जैक्टली डैमेज इंक्रीज करता है, मतलब आपको जो डैमेज हो एग्जैक्टली कम कर देता है, डैमेज पूरा फूड नहीं जाता। ओके तो सबसे पहले जो इसका एबिलिटी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो एंड्रयू, ओके एंड्रयू का इलाइट वाला वर्सन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसा होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए कैसा होने वाला है। तो ये जो एग्जैक्टली आप सभी को बताया है वेस्ट रिपेयर करता है, मतलब वेस्ट को मतलब पूरा ख़त्म नहीं होने देता। ओके तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए वेस्ट जो है एग्जैक्टली इंक्रीज, ओके डैमेज जो होता है एग्जैक्टली 2% इंक्रीज कर देगा, आपको जो डैमेज है रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा आपके डैमेज, और उसके साथ साथ लेवल और एक चीज़ जो एग्जैक्टली 8% तो हो गया, एंड उसके साथ साथ आपके टीममेट्स भी यूज़ कर रहे हैं इस कैरेक्टर का, तो 0.15 डैमेज और एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलने वाला है, जो आपके वेस्ट और जो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत और ज़्यादा डैमेज सहन कर सकता है एग्जैक्टली आप सभी को बता रहा हूँ। और लेवल मैक्स करने के साथ साथ क्या होने वाला है आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ, एंड उसका जो एनिमेशन कुछ ऐसा होने वाला है, एंड उसके साथ साथ जो डैमेज एग्जैक्टली लेवल 6 पे होने के साथ साथ 14% आपके जो टीममेट्स है एग्जैक्टली जो होता है तो 0.15 हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपके जो इंक्रीज जो एग्जैक्टली रिड्यूस डैमेज है, मतलब डैमेज जो कम कर देगा 14%, ओके 14 हो जाएगा, 8 से 14% हो जाएगा। तो गाइज कैसा लग रहा है तो अपडेट्स जान के न्यू कैरेक्टर जो एग्जैक्टली इलाइट एंड्रयू, और उसी के साथ साथ आप लोग को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इलाइट वाला वर्सन एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली गेम के अंदर दोनों टाइप का कैरेक्टर आप लोगों को पता है देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक्टिव और पैसिव आप सभी को पता है। आप लोगों जो अपडेट्स निकल के आ रहे OB27 अपडेट आने के साथ साथ जो पहले जो था इलाइट के लिए, ओके जैसे कि पुराने वाला वर्सन से इलाइट वाला वर्सन से आता है एग्जैक्टली, जैसे कि केली का इलाइट के लिए, ओके जो इलाइट वाला वर्सन पे आ जाते हैं तो उसका एबिलिटी हो जाती है एक्टिव वाला, ओके पैसिव से एक्टिव हो जाते हैं आप सभी को पता है, जैसे कि इलाइट के लिए, ओके केली वाला जो वर्सन था वो होता था पैसिव, बट इलाइट के लिए में हो जाती है एक्टिव। तो OB27 अपडेट के आने के साथ साथ इलाइट के लिए जो हो जाएगा फिर से पैसिव, ओके ऐसे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जो एक्टिव वाला कैरेक्टर था मतलब इलाइट वाला कैरेक्टर वो हो जाएगा फिर से पैसिव, और उसके साथ साथ MR1 कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। MR1 कैरेक्टर जो आप लोगों के लिए है बहुत बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज पे ज़्यादा खेलते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखो जितना दूर से मारोगे उतना ज़्यादा आपको एनिमी को डैमेज दे पाओगे, जैसे कि आप लोग लेवल 1 पे रहेगा तो एग्जैक्टली लेवल 1 पे 5 करके डैमेज देगा 5%, और उसके साथ साथ जो है लेवल 6 होने के साथ साथ 30%, ओके 30% बढ़ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ अच्छे से, सबसे पहले आप 50 मीटर्स के अंदर से एनिमी को मार रहे हो, फायर कर रहे हो, तो उसका डैमेज है 25, ओके तो थोड़ा दूर से मारोगे, जैसे कि 80 मीटर्स दूर से मारोगे तो आप लोग सोचोगे यार तो बहुत दूर से मार रहा हो तो डैमेज कम हो जाएगा, बट नहीं, इस कैरेक्टर लेके खेलोगे तो आप लोगों को जो डैमेज है 25 से 30 हो जाएगा ऐसे ही, ओके बट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, बट ऐसे ही बढ़ जाएगा, दूर जितना दूर से मारोगे उतना अच्छे से डैमेज बढ़ जाएगा।
ऐसे है इस कैरेक्टर का एबिलिटी। तो गाइस जान के कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना। और उसके साथ साथ आप लोग को और एक न्यू कैरेक्टर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो है सैमी। ओके सैमी जो फीमेल कैरेक्टर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द, तो इसका भी एबिलिटी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इस कैरेक्टर का एबिलिटी कुछ ऐसा होने वाला आप लोग को देख पा रहे। और साथ ही हाँ और एक चीज़ आप लोग को बताया नहीं एग्जैक्टली जो कैरेक्टर वाला स्लॉट है एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा, जो कुछ ऐसा हो जाएगा आप सभी को पता है, बट ऐसा नहीं था बट ऐसा हो जाएगा। और गाइस आप बढ़ते हैं इसका कैरेक्टर का एबिलिटी की तरफ। तो इस फीमेल कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला, तो सबसे पहले आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसका दो एबिलिटी होने वाला है। तो नंबर वन जो एग्जैक्टली आप लोग को टेम्परली 100 एचपी मिलेगा और गेम के अंदर आने के साथ साथ, और उसके साथ साथ जो एग्जैक्टली नंबर दो जो एग्जैक्टली आपके जो इंक्रीज करेगा डैमेज, जो किसके ऊपर डैमेज, जैसे कि शील्ड और ग्लूअल। जैसे कि शील्ड मतलब जो क्रोनो कैरेक्टर है, इस क्रोनो कैरेक्टर का जो शील्ड होता है उसका डैमेज और भी इंक्रीज कर देगा एनिमी के डैमेज से। ओके तो सबसे पहले लेवल वन पे जो 50% इंक्रीज करेगा, और लेवल 6 होने के साथ साथ 80% इंक्रीज हो जाएगा, और भी मस्त होने वाला शील्ड और भी प्रोटेक्ट रहेगा आपके, मतलब आपको और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा और भी बहुत टाइम के तक। और उसके साथ साथ जो एग्जैक्टली कूल डाउन टाइम, ओके मतलब कुछ समझ में आ रही है कूल डाउन टाइम सुन के। तो गाइज ये जो कैरेक्टर होने वाला है एक्टिव कैरेक्टर होने वाला है। तो गाइज डिटेल्स पे आप लोगों को अपडेट्स दे रहा, तो गाइज इसी बात के लिए एक लाइक बनते हैं। एंड गाइज ऐसे कौन बताते हैं बताओ यार। तो यार उसके साथ साथ जो एग्जैक्टली कूल डाउन टाइम जो एग्जैक्टली लेवल वन पे रहेगा तो 150 मतलब करीब 3 मिनट के आसपास, और उसके साथ साथ जो लेवल 6 होने के साथ साथ 2 मिनट, ओके 100 मतलब 2 मिनट के आसपास लगेगा, बहुत टाइम होने वाला है इनका इस अपडेट के बाद, जो बहुत टाइम लगेगा कूल डाउन टाइम। ओके और उसके साथ साथ जो वुकोंग कैरेक्टर के ऊपर जो अपडेट्स निकल कर एग्जैक्टली ये कैरेक्टर जो ऑन करते हो तो झोपड़ी जैसा बन जाते हो, और एक कैंसिल वाला बटन होता है, तो कैंसिल इसका एबिलिटी खत्म होने से पहले कैंसिल करना चाहोगे तो भाई इसका एबिलिटी मतलब तुरंत बंद हो जाएगा, बट जो एग्जैक्टली फिर से स्टार्ट करने के लिए फिर से कूल डाउन होने के बाद फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो, फिर से झोपड़ी जैसा बनेगा। बट इस अपडेट के बाद OB27 अपडेट के आने के साथ साथ कैंसिल करने के साथ साथ फिर से जब भी चाहे, ओके जब चाहे टाइम रहेगा तो उसका जो एबिलिटी जितना सेकंड रहता है उससे पहले कैंसिल कर देते हो, तो उसके बाद उसी टाइम के लिए जितना टाइम रहेगा उसी टाइम से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज क्रोनो कैरेक्टर की जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं बहुत ही बड़ी अपडेट्स, जो सभी लोग बता रहे टाटा बाय बाय बता रहे क्रोनो कैरेक्टर के बारे में। क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो गाइज कैसे हो सकता है। तो गाइज सबसे पहले नीचे देखो जो कूल डाउन टाइम, ओके फिर से आप लोग यूज कर पाओगे इसका एबिलिटी, तो उसका जो टाइम लगता है और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका जो कूल डाउन टाइम जो एग्जैक्टली और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, कूल डाउन टाइम जो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसके बाद सेकेंड टाइम यूज़ करने के लिए जितना टाइम पहले लगता था, बट अभी 27 अपडेट के बाद आप लोग को और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कितना टाइम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसका जो एबिलिटी आप लोग देख लीजिए, कूल डाउन टाइम जो पहले लेवल 1 पे 200 था, ओके 200 मतलब समझ सकते हो पहले कितना था आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखो OB27 अपडेट के साथ साथ 200 हो जाएगा, 200 मतलब करीब 4 मिनट्स, ओके 4 मिनट्स लगने वाला। और गाइस लेवल सिक्स के होने के साथ साथ आप लोगों को करीब 3 मिनट्स लगने वाला है, 3 मिनट्स मतलब एक फाइट किया उसके बाद फिर से फाइट पे यार यूज़ कर पाओगे या नहीं कुछ भरोसा नहीं है, तुरंत ही आप लोगों को सेकंड टाइम मतलब सेकंड पर्सन आप लोगों को अटैक कर देगा, तो यार टीममेट अटैक कर देगा तो उस टाइम आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे भाई, बहुत ही ओपी लग रहा है, मजा आया। एंड गाइज इसीलिए बोल रहा है टाटा बाय बाय। और गाइज डीजे एलोक की बात करें तो यार पहले जो था पहले ही था, अभी जो है एग्जैक्टली OB20 अपडेट के आने के साथ साथ कोई चेंज मैच नहीं होने वाला, बट क्रोनो कैरेक्टर पे मस्त चेंज होने वाला है। एग्जैक्टली आप लोग देखो अभी जो न्यू जो अभी जो चल रहा है OB27 से पहले लेवल 1 पे कितना था, लेवल 1 पे एग्जैक्टली देख लीजिए कितना है, 50 सेकंड लगता है लेवल 1 पे, 50 सेकंड लगता है, एंड उसके साथ साथ लेवल 6 पे आप लोगों को 40 सेकंड लगता है, बट 40 से 180 मतलब कुछ समझ पा रहे हो इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला। तो इसीलिए टाटा बाय बाय क्रोनो भाई, बहुत ही मस्त लगा गाइस, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना गाइस, और कोई चेंज मेंज नहीं होने वाला और किसी कैरेक्टर पे। एंड गाइस आज की अपडेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस किसी भी अपडेट्स आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स भर रखे हो तो जाओ फटाफट कमेंट करो। एंड गाइस आप लोगों को बताया था जो इलाइट है, तो आप लोगों को पहले बताया था जो इलाइट वाला वर्सन एक्टिव में था, ओके वो हो जाएगा पैसिव, दो आप लोग लाइव देखो आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ जो पैसिव होगा, इधर देखो पैसिव दिखा रहा है, और जो एग्जैक्टली इलाइट है तो है पैसिव, बट अभी जाके देखोगे तो ये जो है एग्जैक्टली एक्टिव दिखाएगा, बट अभी जो है एग्जैक्टली पैसिव दिखा रही है। तो गाइस आई होप वीडियो आप लोगों को जान के कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो को देख के
कुछ जानकारी मिला तो यार वीडियो को लाइक एंड गाइस शेयर जरूर कर देना आपके फ्रेंड के साथ, जरूर जरूर शेयर जरूर कर देना। और साथ ही गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो गाइस जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो एंड गाइस जैसे सपोर्ट करो, कमेंट करो नीचे कौन सा अपडेट्स देखना चाहते हो OB27 का। तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन भर दो फटाफट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।